तो हमारी यही है जनाब कि इस मरतबा जो है ना इलेक्शन में ख़तरा बहुत ज़्यादा है। इस मरतबा इलेक्शन में इतना ज़्यादा ख़तरा है कि अपने घरों में रहें, वोट डाल लेना। जैसी आवाम होगी वैसे हुक्मरान आएंगे। ताजर हमारे साथ मौजूद हैं, ताजरों से पूछते हैं। अच्छा जी, किसको वोट देंगे आइंदा इंतखाबात 2024 में जो इलेक्शन आ रहा है, किस पार्टी को मुंतखब करेंगे? इंशाल्लाह नून लीग को, नवाज शरीफ जिंदाबाद। अच्छा, अभी कोई फैसला नहीं किया, अभी किसको देना है वोट, वोट देंगे इंशाल्लाह, देना तो है ही। अब किसको वोट देंगे, कितने साल से वोट कास्ट कर रहे हैं, किस किस जमात को अब तक जो है वो अवाम से पूछते हैं अवाम क्या कहती है। अच्छा, आप इस बार जो है इलेक्शन 2024 में जो किस पार्टी को जो है वोट देने जा रहे हैं? जी कोशिश तो हमारी यही है जनाब कि इस मरतबा जो है ना इलेक्शन में ख़तरा बहुत ज़्यादा है। इस मरतबा इलेक्शन में इतना ज़्यादा ख़तरा है कि अपने घरों में रहें, वोट डाल लेना जाए भजन। मैं अपना जहन है मेरा, क्योंकि ना बहुत कंपटीशन में इलेक्शन हो रहे हैं, तो मेरा यही है कि मेरा अपना एक माइंड है कि कोई किसी किस्म का जो है ना इलेक्शन के लिए हमारी तैयारी नहीं है। हम वोट देखेंगे जी, अभी तो कोई फैसला नहीं किया। अच्छा, अभी कोई फैसला नहीं किया, अभी किसको देना है वोट, वोट देंगे इंशाल्लाह, देना तो है। आइंदा इंतखाबात में कौन कामयाब होगा, क्या समझते हैं आप? कामयाब तो देखें जी, ये अल्लाह ताला की मर्ज़ी है किसको कामयाब करेंगे, ये अल्लाह जानते हैं, मैं तो नहीं जानता। तो बाकी एक बात मैं कहूँगा, जो लोग जो है ना नमाज और कुरान को छोड़कर कामयाब नहीं हो सकते, जैसी आवाम होगी वैसे हुक्मरान आएंगे। ताजर हमारे साथ मौजूद हैं, ताजरों से पूछते हैं। अच्छा जी, किसको वोट देंगे आइंदा इंतखाबात 2024 में जो इलेक्शन आ रहा है, किस पार्टी को मुंतखब करेंगे? इंशाल्लाह नून लीग को, नवाज शरीफ जिंदाबाद। अच्छा, इलेक्शन 2024 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वोट देने जा रहे हैं, क्यों पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वोट देने जा रहे हैं? भाई नवाज शरीफ के दौर में काम अच्छा था, कारोबार भी अच्छे थे, मैं बस चीज़ ये आप थी, ये 2000 पर दर्जन थी, अब ये 3400 रुपये दर्जन है, महंगाई इतनी हो चुकी है, क्या करें। हमने इंशाल्लाह नून लीग को वोट देना है, उसने उसके दौर में बहुत अच्छा काम कारोबार रहा है। जी हमारे साथ जो है यहाँ हमारे बुजुर्ग मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं और ताजर जो है वो किसे मुंतखब करेंगे इलेक्शन 2024 में, किसको वोट देंगे? हमारे यहाँ जो ताजिर बरादरी वो कह रही है कि मुस्लिम लीग नून को वोट देंगे। मुस्लिम लीग नून को क्यों वोट देंगे? मुस्लिम लीग नून में पाकिस्तान अच्छे अच्छे काम किए, कारोबार अच्छा था। हमारे साथ एक और बुजुर्ग मौजूद हैं, आप किसको वोट देंगे, कितने साल से वोट कास्ट कर रहे हैं, किस किस जमात को अब तक जो है वो तो पहले किसको वोट देते? पीटीआई को। नहीं, शुरू से किसको वोट देते हैं? पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी के वोट? आप पीपल्स पार्टी को वोट नहीं देंगे? पीपल्स पार्टी को वोट क्यों नहीं देंगे? पीटीआई को। पीटीआई को क्यों वोट देंगे? ईमानदार आदमी। आप आगे चलते हैं और ये कहते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वोट देंगे, वो चीज़ आगे चलते हैं। अब आपसे पूछते हैं, अब आपको बताए वोट किस पार्टी को देने जा रहे हैं, किसको देंगे वोट? इंशाल्लाह जी हमारा जो मुस्तफ़ी का बात है, हमने अपने ईमान से कहने में हमने वोट किया पीटीआई को। शहरी मौजूद है, वोट किस तरह जा रहे हैं, किसको जो है वो वोट देंगे? ये कहते हैं जी कि
तरक्याती काम करवाए, हम जो है किसको इलेक्शन 2024 में जो है वो मुंतखब करेंगे।